क्लास वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज के शॉर्ट वीडियो में जो है हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टम का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो भाई इस चीज को हम समझते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सिस्टम हैज अ लीक Which would empty it in 8 hours? इसका मतलब कि एक सिस्टम यानी कि एक टैंक। भाई वो कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें एक लीक है, या हम कह सकते हैं कि लीकेज है, जो उस टैंक को एम्प्टी करता है। एम्प्टी करता है मतलब खाली करता है। कितनी देर में? 8 घंटों। कितनी देर में? 8 घंटों में। A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the system। इसका मतलब कहा कि हमने एक टैप को ऑन किया जिसका काम क्या है कि वो सिस्टम में पानी डाल रही है। कितना पानी डाल रही है? वह डाल रही है 6 liters a minute, मतलब प्रति मिनट, into the system, टैंक के बीच में। And it is now emptied in 12 घंटे। It is now emptied in 12 घंटे का मतलब कि अब वही टैंक कितनी देर में खाली हो रहा है? 12 घंटों। बस पहले कितने घंटों में खाली हो रहा था? 8। अब कितने घंटों में खाली हो रहा है? 12। तो पूछा ये क्या है, हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड। भाई दो चीजों की इस क्वेश्चन में बात की गई। पहली बात की गई है कि लीकेज की। उसके बाद क्या किया गया, उसमें एक टैप ऑन की गई जो पानी को डाल रही थी। तो लीकेज का काम क्या होता है कि वो पानी को बाहर निकालेगी, और जो दूसरी टैंक है उसका काम क्या है कि वो टैंक के अंदर पानी डालेगी। तो पहले जो टैंक खाली था वो 8 घंटे में हो रहा था, अब कितने घंटों में हो रहा है? 12 घंटों में। थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पानी उसके अंदर डाला जाता है। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कहां पे गलती आती है, कहां पे कंफ्यूजन होती है। देखो भाई, अगर एक लीकेज किसी टैंक को 8 घंटे में खाली करती है, तो हमने यहां पे एक बार क्या लिखा कि 8 घंटे में एक लीकेज है, ए लीकेज है। तो भाई जो चीज पानी बाहर निकालती है उसके लिए हम नेगेटिव एफिशिएंसी का यूज करते हैं, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, माइनस। अब उसने कहा अ टैप इज टर्नड ऑन, एक टैप को ऑन किया गया जो 6 लीटर पानी डाल रही है, तो अब जो टैंक है वो 12 घंटों में खाली हो रहा है। देखिए अब क्या था, अब दोनों चीजें चल रही थी, क्या एक तो पहले वाला लीक और अब दूसरी क्या आ गई, टैंक अभी भी खाली हो रहा है। कितने घंटों में? 12 घंटे। कितने घंटों में? 12 घंटों में। देखिए ये 8 घंटे में अकेला खाली कर रहा था, अब 12 घंटों में मिला के ये दोनों खाली कर रहे हैं। जब टैंक सेम है, काम सेम है, कैपेसिटी सेम है, तो इन दोनों को एलसीएम लेके हम टोटल कैपेसिटी सपोज करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 22 यूनिट। क्या आ गया? 24 यूनिट। यहाँ पे 24 यूनिट आया। भाई 8 घंटों में अगर आप 24 यूनिट पानी बाहर निकालते हैं, या एक लीकेज 8 घंटों में 24 यूनिट पानी बाहर निकालती है, तो वह 1 घंटे में कितना बाहर निकालेगी? 3 यूनिट। तो ये क्या हुई, ये ए लीकेज की क्या हो गई, एफिशिएंसी, विच इज -3 यूनिट्स। मैं लीटर की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिट्स की बात। अब दूसरी, जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो 12 घंटों में 24 यूनिट पानी बाहर आ रहा है, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 2 यूनिट। 1 घंटे में कितना आएगा? 2 यूनिट। समझिए, यहां पे ये दोनों काम कर रहे थे, यहां पे एक लीकेज अकेला काम कर रहा था। भाई समझिए कि अगर लीकेज 3 यूनिट पानी बाहर निकालता है और ये दोनों मिला के 2 यूनिट पानी ही बाहर निकाल पाते हैं, तो इसका मतलब जो बी था बी करके आ रहा था वो पानी डाल रहा था, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? प्लस। बहुत समझिए, यहाँ पे -3 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ पे -2 यूनिट काम हो रहा है, इसका मतलब जो बी है वो कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। दिस 1 यूनिट इज व्हाट, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ दैट टैप जो पानी को भर रही है, जो पानी को भर रही है। अब से समझिए, अब उन्होंने लिखा हुआ है कि वो 6 लीटर पानी डाल रही है, तो स्टूडेंट क्या कहेंगे कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है?
6 मीटर, तो वो टोटल पूछा है, तो वो इस 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लगा देंगे 144 liters, और उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। भाई यहाँ पे ना सभी को कंफ्यूजन आती है। भाई देखिए समझिए, हम ये बात कर रहे थे 8 घंटे में 24 यूनिट, तो 1 घंटे में -3 यूनिट, 12 घंटे में 24 यूनिट, तो 1 घंटे में -2 यूनिट। तो ये जो एफिशिएंसी आई +1 यूनिट, ये +1 यूनिट एफिशिएंसी है किसकी? बी की। बी पानी को भर रहा है, ये एफिशिएंसी है बॉस बी की, पर ये 1 यूनिट एफिशिएंसी है उसकी 1 घंटे की, ना कि 1 मिनट की। देखिए वो 6 लीटर पानी डाल रहा है कितनी देर में? 1 मिनट में। तो समझिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे की एफिशिएंसी को। तो आप खुद बताइए कि अगर 1 मिनट में 6 लीटर पानी डलता है तो क्या 1 घंटे में 6 × 60 लीटर पानी पड़े? क्योंकि हर 1 घंटे में कितने मिनट भाई? 60 मिनट है ना, तो 6 × 60 ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1 घंटे की एफिशिएंसी। तो हमसे पूछा क्या गया है? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितने यूनिट है? 24। तो भाई इसको आप 24 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, सो इट इज 360 × 24, विच इज 8640 liters। ये 8640 क्या है? दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। तो भाई ये टाइप इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। एक बार ही नहीं समझ आता, दोबारा देखिए। इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।